भारत चीन सीमा के LAC से समूचे उत्तराखंड के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां विशेष पेट्रोलिंग करते समय उत्तराखंड का एक वीर सपूत शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान चंद्रमोहन सिंह नेगी के रूप में हुई है। बताया गया है कि वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP में इंस्पेक्टर निरीक्षक के पद पर तैनात थे और मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही जहां उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे प्रदेश में भी शोक की लहर दौड़ गई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला दुर्गा चौक जॉलीग्रांट निवासी चंद्रमोहन सिंह नेगी ITBP में निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती हिमाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा के LAC अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थी। बताया गया है कि वे अपने साथियों के लिए भारत चीन सीमा के पास भारत अग्रिम चौकी से आगे करग्युप्पा नाला पार करने के लिए अस्थायी पुल बना रहे थे। इसी दौरान वे करग्युप्पा नाले में गिर गए, जिस पर उनके अन्य साथियों ने उन्हें घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर नाले से बाहर निकालकर नजदीकी सेना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शहीद चंद्रमोहन नेगी 24 सितंबर 1987 में बतौर कांस्टेबल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP में भर्ती हुए थे। वे अपने पीछे दो बच्चों सहित भरे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। शहीद जवान चंद्रमोहन नेगी का पार्थिव शरीर शनिवार 27 जुलाई को उनके पैतृक आवास पर पहुंचने की संभावना है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।